हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं देखना ब्लू एंड हेली। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेशन का पूरा तरीका विद एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेंगे उसी बुक का, डिकी गोयल बुक का, पेज नंबर 2.111 क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी बुक में देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए मैं आपको आज बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि और भी ज़्यादा वीडियोस पूरे चैप्टर का अकाउंटेंसी का इकोनॉमिक्स का मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल ईजी वे है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में दिया होता है। पार्टनरशिप डीड में ये जो है ऑलरेडी जो है उल्लेखित होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है कैपिटल के ऊपर। अब बात ये आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले जिस भी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो उसका जो भी कैपिटल होगा, कैपिटल मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100। अगर पूरे साल के लिए है तो ऐसे करेंगे, अगर ये कुछ मंथ के लिए कैलकुलेट हो रहा है तो वहाँ पर हम मंथ जितने भी मंथ है डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं। ये ऑप्शनल होता है, हर जगह इसकी किस तरह की कैलकुलेशंस नहीं होती है। तो अब एग्जांपल के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 2111 का है क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, डीके गोयल बुक का है। तो क्वेश्चन है, गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन अप्रैल 1, 2018 वर 5,60,000 एंड 4,75,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन अगस्त 1, 2018 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स वर मेड बाई इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2019। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिरीश और सतीश दो पार्टनर है, गिरीश एंड सतीश, दोनों का ही जो 1 अप्रैल 2018 को जो कैपिटल है, गिरीश का कैपिटल है 5,60,000 और सतीश का कैपिटल है 4,75,000। दोनों ही डिसाइड करते हैं कि 1 अगस्त 2018 से उनका कैपिटल जो है, दोनों का जो है 5 लाख हो जाना है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनरशिप डीड में तय किया है 6% पर एनम के हिसाब से उनको इंटरेस्ट दिया जाना है। जो एंड ऑफ द ईयर है, एंड ऑफ द ईयर ये है 31 मार्च 2019, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा कि ग्रीस का कैपिटल है 5,60,000 फर्स्ट अगस्त से जाके चेंज हो रहा है, यानी कि ये जो कैपिटल है ये कितने महीने के लिए रुक रहा है, ओनली 4 मंथ्स के लिए। उसके बाद 1 अगस्त के बाद कोई चेंजेस नहीं है, तो नेक्स्ट जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना है वो कितने मंथ के लिए होना है, 8th मंथ के लिए होना है। यानी कि फर्स्ट का कैलकुलेशन 4 मंथ के होगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 8th मंथ का निकलेगा। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं देखिए। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ग्रीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ग्रीस, ग्रीस के कैपिटल का इंटरेस्ट।
सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैपिटल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे ऑन रुपीज 5,60,000 फॉर फोर मंथ्स। फोर मंथ्स के लिए है क्योंकि 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक है, तो ये फोर मंथ के लिए बनता है। तो ये रुपीज है 5,60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो 6/100, और मंथ है 4/12, जितने मंथ होता है उतने। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 3 12, 3 2 6, तो ये कैलकुलेट होके आया 11,200। ये फोर मंथ है। अब नेक्स्ट ऑन रुपीज 5 लाख फॉर 8 मंथ्स, और यहाँ पर 8 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 8 मंथ के लिए है, तो 8/12। इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 काट दिया, 6 2 12, 2 4 8, और 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 20,000। अब निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टोटल कितना होता है 11,200 और 20,000, तो ये दोनों टोटल कर लें, 11,200 प्लस 20,000, तो ये बन गया 31,200 रुपीज़। ये आ गया गिरीश का। अब हम कैलकुलेट करेंगे सतीश का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सतीश, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं फोर मंथ का, ऑन रुपीज 4,75,000 फॉर फोर मंथ्स। तो ये कैलकुलेट हुआ 4,75,000 मल्टीप्लाई बाय 6% के है, 6/100 मल्टीप्लाई बाय 4/12। इसको कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 3 12, 3 2 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आएगा 9,500 रुपीज़। उसी तरह निकालेंगे ऑन, इसका भी 5 लाख रुपीज़ होता है फॉर 8 मंथ्स, तो ये आ गया 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 6/100 मल्टीप्लाई बाई 8/12 इक्वल टू, कैलकुलेट कर लिया है हमने, 6 2 12, 2 4 8, 5 2 20, इसका भी 20,000 ही आया। अब अगर टोटल निकालेंगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 9,500 प्लस 20,000, तो दोनों का टोटल कितना आ गया 29,500। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सतीश। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल इजी वे में कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।